विश्व देखिबा भव्य और दिव्य दीपोत्सव श्रीराम नगर रे ऐतिहासिक दीपोत्सव आयोजन 24 लक्ष दीपरे झलसिब अयोध्यार 51 पवित्र घाट नुआ कीर्तिमान पई प्रस्तुत योगी सरकार 19 प्रज्ञापन मेढ़ हेब रामकथा प्रदर्शित जय श्रीराम ध्वनि मुखरित अयोध्या आकाश पुणि थरे दुनिया देखिबो श्रीराम नगर रे रमणीय दृश्य तृतीय युगरे 14 वर्ष वनवास परे भगवान श्रीराम को दीप जलाई स्वागत करथिले अयोध्यावासी दीर्घ 500 वर्षर अपेक्षा परे जन्ममाटी रे रामलालांक प्राण प्रतिष्ठा पूर्वरु चलित वर्ष अयोध्यावासी विश्वकु शांति सन्देश देवा सह दीप प्रज्वलन रे बनेबाकु जाउछन्ति नुआ विश्व कीर्तिमान ऐतिहासिक सरोजरु 51 घाटे प्राय 24 लक्ष दीप प्रज्वलन आरंभ हो सारी जोरदार प्रस्तुति 25,000 स्वेच्छासेवी दीप प्रज्वलन करने प्रस्तुत आरंभ कर दीपोत्सव को भव्य और दिव्य बनवा को नववधू पी सजे हो भगवान श्रीराम नगरी पूरा सहर को रंग बेरंगर आकर्षण आलोकमा और फुलरे सुसज्जित अयोध्या को संजोग करस्तागुड़ी चमत्कार रंगोली सजा चली चलित वर्ष गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था सामाजिक संदेश संपर्कित प्रज्ञापन मेढ़ प्रदर्शन सह पारंपरिक शोभायात्रा भगवान श्रीराम जीवनी संपर्कित विभिन्न प्रज्ञापन मेढ़ स्थान पाइब दीपोत्सव दिन सातेक महाविद्यालय शोभायात्रा बाहरी नगर परिक्रमा करने न्यायघाट और लता मंगेशकर छक जाए जीव ए वर्ष 19 प्रज्ञापन मेढ़ शोभायात्रा सामिल हो भगवान रामों जन्म ठार् राज्याभिषेक प्रज्ञापन मेढ़ मध्यम प्रदर्शित होम विभिन्न सामाजिक बार्ता देवाई प्रयास करोगी सरकार प्रज्ञापन मेढ़गुड़िक पुत्रेष्टि यज्ञ और सभी को सुरक्षा भयमुक्त समाज गुरुकुल शिक्षा और पिला अधिकार राम सीता बहुत और कन्या बहुत योगी सरकार पक्षर करवस्था अहल्या उद्धार और मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन आदि थीम्रे विषय वस्तु प्रदर्शित हो सघन समीक्षा हुई है। शासन से जुड़े भी वरिष्ठ अधिकारीगण भी आए थे और जनपद अयोध्या में जो शासन के अधिकारी विभिन्न विभागों के हैं उनके साथ भी यहाँ पर एक सघन बैठक हुई है। अयोध्या के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए डबल इंजन की सरकार 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट को अयोध्या के लिए सैंक्शन की है। हमारा प्रयास है कि दीपोत्सव के पहले ज्यादातर परियोजनाएं पूरी हो जाएं। पूरे प्रदेश और देश के लिए एक गौरवशाली क्षण आने वाला है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के सामने भव्य राम मंदिर बना। हमारे कितने पुरखों ने लड़ाई लड़ते लड़ते आप देखे होंगे उस भारतीय संस्कृति को स्थापित करने में, जिसे लोगों ने विदेशियों ने विखंडित किया था, उसे फिर से हमको निर्माण करने का अवसर प्राप्त हुआ, हमारी पार्टी को भी उसमें शिरकत करने। और ये दीपोत्सव इस भारतीय संस्कृति का एक तरीके से एक दुनिया में जो एक मैसेज है वसुधैव कुटुंबकम, जो हम बुराई पर जो अच्छाई का जो प्रतीक है, जिसे हम विजय प्राप्त करते हैं किसी कमी पर, तो वो दीपोत्सव के साथ साथ विजयोत्सव भी माना जाए। और जितना हम लोगों ने देख दीपोत्सव का जो हमारी सरकार ने समारोह रखा है आज के दिन में अयोध्या में, उसके लिए मैं अपनी सरकार को भी बधाई देता हूँ और देश के वासियों को आज के इस हार्दिक दीपावली के उस दीपोत्सव समारोह में सबको मैं इस पर्व पर मैं सबको बधाई देता हूँ। दीपोत्सव को स्वतंत्र बनवाप विभिन्न राज्यर कलाकार निज कला प्रदर्शन करेंगे। लक्षौर कारीगर एवं साकेत महाविद्यालय रथ उपर प्रज्ञापन मेढ़ बनवा कम लगी युद्धकालीन भित्ति चली प्रस्तुति कार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वितीय कार्यकाल द्वितीय दीपोत्सव जहाँ को भव्य और दिव्य बनवाप समस्त बल लगे योगी सरकार 2017 योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बनवा पर अयोध्या प्रथम दीपोत्सव आयोजित होता वर्ष पर वर्ष बीतवास दीप संख्या बढ़ी चल
2017 दीप उत्सव प्रथम संस्करण में 1.71 लाख दीप सरजू घाट को झलसाई थी। 2018 दीप संख्या बढ़ी पहुंची 3.1 लाख। 2019 4.4 लाख दीप को वृद्धि पाई। 2020 6.6 लाख दीप। 2021 9.41 लाख दीप एवं गत वर्ष अर्थात 2022 15.76 लाख दीप जाली रेकर्ड बनाइले योगी सरकार। चलित वर्ष प्राय 24 लाख दीप प्रज्वलन कर नुआ विश्व रेकर्ड प्रतिष्ठा करा लक्ष्य रही। तो परिवार सुखी के लिए धन यह धन प्राप्ति के लिए साथ ही साथ जो हमारी समस्याएं हैं जो कठिनाइयां हैं जो कष्ट हैं वो दूर हों और सुख शांति की प्राप्ति हो, इसीलिए धनतेरस की जो पूजा की जाती है और कोई न कोई ऐसी बस खरीदी जाती है जिससे उस बस खरीदने से उनके जो घर की है वो वृद्धि होती है और घर में जो सुख शांति की प्राप्ति होती। ऐसा अद्भुत और अलौकिक दृश्य देखने के बाद मुझे त्रेता में भगवान राम जहाँ निवास करते रहे होंगे उस समय का दृश्य का स्मरण हुआया। वाल्मीकि रामायण में जैसा लिखा हुआ अयोध्या नाम नगरे तत्रा श्री लोक विश्वता मनुना मानवेंद्र ने आपूरी निमित्ता स्वयं, जैसा महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है वैसा दृश्य आज श्री राम जन्मभूमि में मुझे दिखाई दिया। अयोध्या दीपोत्सव चमक केवल भारत वर्ष मध्य सीमित हो रही नहीं, भगवान श्रीराम नगरी में आयोजित दीपोत्सव अद्भुत दृश्य देखापी सारा विश्वर छुट्टी आसुचार लक्षाधिक पर्यटक। चलित बर्षर दीपोत्सव को आहरी दिव्य और भव्य बनवाई पूरा जोर लगे योगी सरकार। दीर्घ अपेक्षार शेष सोपान भक्ति भाव विहल होती भक्त आखिरे भरी पुलक भव्य उत्सव और दिव्य मुहूर्त अपेक्षार अंत होगा जाऊँ। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर शुभ मुहूर्त स्थिर हो सारी। रामलला प्राण प्रतिष्ठापी ट्रस्ट पक्षर तिथि निर्धारित हो सारी। 22 जनवरी में भव्य मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा पूर्व अयोध्यावासी दीपोत्सव मध्यम जगत को प्रज्ञालोक आलोकित करने को जाऊँगी। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।